आगे बढ़ाएं और आज जगत के एक प्रसिद्ध नेता हुए हैं, हम सभी जानते हैं हमको, श्री प्रकाश विजय शास्त्री। प्रकाश विजय शास्त्री लोकसभा के सदस्य थे और आज जगत के बहुत बड़े नेता थे। इंदिरा जी भी उनका बहुत सम्मान करती थी, विरोधी दल के नेता। तो प्रकाश विजय शास्त्री का एक जगह मैंने लेख पढ़ा, इसमें उन्होंने लिखा कि हरियाणा को आंध्र प्रदेश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रकाश विजय शास्त्री हरियाणा को आंध्र प्रदेश कहा करते थे। उनका कहना था प्रकाश विजय का कि यहाँ के लोग आर्य संस्कृति और विचारधारा को स्वाभाविक रूप से मानने वाले लोग हैं। तो आज जो हमारे अगले विद्वान आपके सामने अपनी अपने प्रस्तुत करेंगे प्रवचन, वे हरियाणा प्रांत से ही आते हैं। अद्वितीय वाग्मी, विनम्रता एवं निराभिमानता की साक्षात मूर्ति, संघर्षशील तथा समर्पित वैदिक ज्ञान प्रचारक, कुशल पत्रकार, परमार्थी निस्वार्थी आर्य नेता, निर्भीक समाज सुधारक, उच्च कोटि के संगठनकर्ता, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, वैदिक मनीषी, युवा हृदय सम्राट, पूज्य आर्यवेश जी, विद्वान ही नहीं, लेखक ही नहीं, अपितु महर्षि दयानंद और वैदिक धर्म में अनन्य निष्ठा रखने वाले विशिष्ट गुण संपन्न आर्य समाज के ऐसे मूर्धन्य सन्यासी हैं जिनके जीवन का जीवन व कार्यों से न केवल देश के लोग अपितु विदेशी जन भी अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। तो मैं स्वामी जी की जीवन यात्रा के बारे में आगे कुछ और बताऊं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि स्वामी जी का मंच पर मैं स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है स्वामी जी मंच पे। और हमारे प्रधान आदरणीय दीनदयाल जी गुप्ता से अनुरोध है कि आप अंगवस्त्र से स्वामी जी का स्वागत करें और आप सभी जोरदार तालियों से। आजकल मीडिया का युग है, प्रचार प्रसार, स्वामी जी उसमें अग्रणी हैं। आर्य विचारधारा को व्हाट्सएप, हिंदी एवं कई भाषाओं के जानकार तथा भाषा विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त करने वाले श्री जगबीर सिंह एडवोकेट, पूर्व नाम इनका यही था, डिप्लोमा प्राप्त करने वाले श्री जगबीर सिंह एडवोकेट जो इनका पूर्व नाम एडवोकेट थे के नाम से प्रसिद्ध एवं वैदिक बचपन से ही वैदिक विचारधारा से संस्कारित तथा समाज के समक्ष उत्तम आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले स्वामी आर्यवेश जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निश्चय करके युवा पीढ़ी को देशभक्त, चरित्रवान तथा आर्य समाज की विचारधारा से ओतप्रोत करने का संकल्प लिया तथा जीवनदानी के रूप में आर्य समाज के युवा संगठन सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद के माध्यम से आपने आपको लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले के ग्राम खरकड़ा में महाशय अमर सिंह जी आर्य एवं श्रीमती प्यारी देवी जी के सबसे छोटे पुत्र के रूप में जन्मे श्री जगबीर सिंह जी को आर्य समाज के संस्कार अपने परिवार विशेषतः अपने पूज्य पिताजी से मिले। इनके पिताजी आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने अपने क्षेत्र में आर्य समाज के संगठन को सक्रिय रखते हुए वैदिक पाठशाला इनके क्षेत्र में जितना था वह आर्य समाज का कार्यक्रम होता था तो भोजन की पूरी व्यवस्था इनके पिताजी अपने घर में करते थे। और गांव में जब आर्य समाज का उत्सव होता था तो उसमें महात्मा आनंद स्वामी, स्वामी उमानंद, स्वामी नित्यानंद, स्वामी विद्यानंद,
स्वामी इंद्रवेश, स्वामी अग्निवेश, स्वामी चंद्रवेश, स्वामी योगानंद आदि विख्यात सन्यासी प्राय यहाँ आया करते थे इनके घर पे। इसी वातावरण में स्वामी आर्यवेश जी, जो उस समय मशहूर वकील जगवीर सिंह थे, को आर्य समाज के लिए जीवन लगाने की प्रेरणा मिली। स्वामी जी के पूज्य पिताजी हिंदी आंदोलन एवं गौर रक्षा आंदोलन में 6 महीना तक हिसार जेल में भी बंद रहे। ये देखिए, अगर हमारे घर परिवार का कोई बच्चा अगर संन्यास लेना चाहे तो हम विरोध करते हैं, मना करते हैं, समझाते हैं, उस पर दबाव देते हैं, लेकिन स्वामी जी के पिताजी धन्य हैं, उन्होंने अपने सुपुत्र जगवीर सिंह को संन्यास दीक्षा के समय प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर आर्य समाज को एक सुदर्शन सन्यासी समर्पित कर दिया। और जो आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, इनके पिताजी का निधन ठीक 100 वर्ष पूर्ण करके हुआ था। स्वामी जी के सामाजिक जीवन की यात्रा तब शुरू हुई जब वे दसवीं कक्षा के छात्र थे। उस समय उनका संपर्क युवाओं के प्रेरणा स्रोत ब्रह्मचारी इंद्रवेश जी मेघाती, स्वामी इंद्रवेश जी का पहले यही नाम था, इंद्रवेश जी मेघाती। इंद्रवेश जी मेघाती के चुंबकीय व्यक्तित्व ने इन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। थोड़े दिनों के अंदर ये स्वामी इंद्रवेश जी के अति निकट कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए और जीवनदानी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। उसी दौरान इनका स्वामी अग्निवेश जी से भी आत्मीय संबंध बना। सन 2006 में जब पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी महाराज ने इंद्रवेश जी के देहावसान के पश्चात उनकी स्मृति में एक विशाल प्रेरणा सभा हुई, तो 8 जून 2006 को आर्य समाज के तेजस्वी क्रांतिकारी विश्वविख्यात सन्यासी स्वामी इंद्रवेश के अनन्य सहयोगी पूज्य स्वामी अग्निवेश जी से संन्यास दीक्षा लेकर आप वकील जगवीर सिंह से स्वामी आर्यवेश बने। स्वामी अग्निवेश जी ने अपने जीवन में पहली इच्छा इन्हीं को दी थी। इसके पहले उन्होंने किसी को भी संन्यास दीक्षा नहीं दी थी। हजारों की संख्या में उस समय आर्यजन सन्यासी विद्वान इनके जब ये संन्यास ग्रहण किए थे उस समय उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, जब इंद्रवेश जी का देहावसान कार्यक्रम में। आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए आपने अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, बेल्जियम, जापान, दुबई, नेपाल, मेक्सिको आदि देशों की यात्राएं की और अभी भी करते रहते हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो इनका दुर्घटना हुआ था, ये अफ्रीका से ही लौटे थे, वहाँ कार्यक्रम देकर के आ रहे थे। तो स्वामी जी महर्षि दयानंद धाम अमृतसर के ट्रस्टी, गुरुकुल लाहौर रोहतक के उप प्रधान, गुरुकुल सिंहपुरा सुंदरपुर के संरक्षक, स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टिटौली रोहतक के अध्यक्ष, सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद के प्रधान एवं वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा जो दुर्भाग्य से 2 भागों में बटी हुई है, एक भाग के आप प्रधान है, सार्वदेशिक आर्य सभा के एक भाग के प्रधान है। आर्य समाज के पुराने लोगों को ध्यान होगा 2005 में कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध टंकारा से अमृतसर की 15 दिनों तक चलने वाली ऐतिहासिक बेटी बचाओ जन चेतना यात्रा, जो टंकारा से गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ व पंजाब में के सैकड़ों नगरों एवं गांवों में जागृति करके निकाली गई थी, इसी यात्रा के फलस्वरूप आज पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया जा रहा है और लोग जागरूक हुए। देश और समाज पर स्वामी जी के अनेक वीर हैं। सती प्रथा के विरुद्ध देश में कानून जो बना उसमें स्वामी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1987 में दिल्ली से देवराला तक आर्यवेशी अग्निवेशी के नेतृत्व में जो निकला जुलूस, उसमें भी आपने कुशल संयोजन किया। वस्तुतः इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से देश, जाति और समाज का अभ्युदय होता है, कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है और वसुंधरा पुण्यवती कहलाती है। स्वामी आर्यवेश जी का संपूर्ण जीवन
यज्ञ जीवन का प्रतीक है। स्वामी जी का परोपकार में विशाल व्यक्तित्व बड़ा ही चमत्कारी एवं लोक कल्याण की भावना से उत्प्रेरित है। स्वामी जी जिस दीवानगी के साथ आज समाज की सेवा में संलग्न है वह अद्भुत तथा अकल्पनीय है। निरंतर अहर्निश 18 घंटे आज समाज का ही कार्य करना स्वामी जी की विशेषता है। आज समाज की मान्यताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मंचों पर पहुंचाने एवं प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान में प्रचलित प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यमों का उपयोग कर इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वेबसाइट आदि माध्यमों से पूरे विश्व में वेद ज्ञान को आप फैला रहे हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे वट वृक्ष के छाया में बड़ा बाजार आर्य समाज अपना श्राणी उत्सव मनाने जा रहा है। आप सभी से आज जरूर से अनुरोध है कि जो ये दो दिन का और बाकी समय है आप अधिक से अधिक संख्या में परिवार सहित आए और इनके प्रवचनों का लाभ उठाएं। स्वागत की औपचारिकता हो चुकी है। मैं देश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें।